अरविंद गुर्जर संज्ञान प्रतियोगी संस्थान मनने का बड़ा दोष है। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान पर आपका स्वागत है। और दोस्तों हम जैसा कि राजस्थान के जो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन है उसमें राजस्थान की एनर्जी पढ़ रहे थे, तो दोस्तों हमने उसमें तापीय ऊर्जा में एक पोर्शन पढ़ा है मात्र, हमने वो पढ़ा है राजस्थान में क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट आज दोस्तों हम बात करते हैं नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। ये तो हम बता ही चुके कि ऐसे थर्मल पावर प्लांट जिसमें किसी एक जितनी भी इकाइयां हैं उनमें कोई भी एक इकाई की 500 मेगावाट से ज्यादा उत्पादन क्षमता है तो वो क्रिटिकल कहलाएगा, और किसी भी इकाई की 500 से कम है तो वो नॉन क्रिटिकल। तो आज हम बात करेंगे नॉन क्रिटिकल की। दोस्तों टोटल थर्मल पावर प्लांट की तो 500 से अधिक हो सकती है, लेकिन इकाई एक इकाई की 500 से अधिक होने पर ही क्रिटिकल कहलाएगा। सभी इकाइयों की 500 या 500 से कम है तो वो क्रिटिकल नहीं कहलाएगा, नॉन क्रिटिकल कहलाएगा। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान में नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो देखिए हम दोस्तों नॉन क्रिटिकल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जैसे एक बात करेंगे हम कोटा थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों कोटा में 6-7 इकाइयां हैं जिनमें से किसी की भी 500 से अधिक नहीं है, उत्पादन क्षमता 500 से अधिक नहीं है। तो देखिए कोटा थर्मल पावर प्लांट यहां से 1240 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित होती है दोस्तों, 1240, ठीक है। तो ये नॉन क्रिटिकल है दोस्तों, टोटल मिलाकर तो 500 से अधिक है लेकिन किसी भी इकाई की 500 से अधिक नहीं है, इसलिए नॉन क्रिटिकल है। उसके बाद दोस्तों दूसरा हम बात करते हैं, तो देखिए भादरस थर्मल पावर प्लांट। तो देखिए दोस्तों भादरस पावर प्लांट कहां पर है, ये है दोस्तों बाड़मेर। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, इनमें आपको कैपेसिटी की जरूरत नहीं है याद रखने की, आपसे पूछा जाएगा भादरस थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है, या एक साइड में आपको ये नॉन क्रिटिकल वालों में से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो एक तरफ तो पावर प्लांट लिख देंगे, एक साइड में आपको जगह या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, सुमेलित करवा देंगे दोस्तों। तो याद रखना है आपको कोटा थर्मल तो आपको समझ में आ रहा है कोटा में ही, भादरस बाड़मेर। उसके बाद अपन बात करते हैं, तो देखिए गुड़हा थर्मल पावर प्लांट। तो दोस्तों गुड़हा थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, ये गुड़हा के बारे में मैंने बताया है पहले भी, खनिजों में ये सारे लगभग नाम आ चुके हैं। तो ये है दोस्तों बीकानेर। और दोस्तों ये निजी क्षेत्र का एकमात्र नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है गुड़हा, जो बीकानेर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जैसे दानपुर थर्मल पावर प्लांट। तो देखिए दोस्तों दानपुर बांसवाड़ा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कवई थर्मल पावर प्लांट। कवई दोस्तों बारा में है। दानपुर बांसवाड़ा। देखिए भादरस कहां पर है, बाड़मेर में, गुड़ा बीकानेर, दानपुर बांसवाड़ा, कवई कहां पे है दोस्तों,
12 में, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए गिरल थर्मल पावर प्लांट। तो देखिए दोस्तों ये है गिरल, भी बाड़मेर में है। बाड़मेर देखिए, अभी तक बाड़मेर में आपको ध्यान रखना है, एक तो सॉरी ये तो बांसवाड़ा में है, एक तो भातरस आया अभी, और एक गिरल है, और एक कपूरडी जालीपा। ये भी कहां पे है दोस्तों? ये भी बाड़मेर में है, बाड़मेर। तो दोस्तों देखिए आप थोड़ा देख लीजिए इनको भाई, राजस्थान नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, एक तो थर्मल पावर प्लांट है कोटा में, भादरस बाड़मेर में, गुढ़ा एक निजी क्षेत्र में है एकमात्र, ये बीकानेर, दानपुर बांसवाड़ा, कवाई बारा, गिरल बाड़मेर, और कपूरडी जालीपा ये भी बाड़मेर। तो दोस्तों अभी हमने ये पढ़े हैं, और एक और देखते हैं हम, एक है नेवली थर्मल पावर प्लांट। तो दोस्तों इसकी चार परियोजनाएं हैं, चार, जो नेवली थर्मल पावर प्लांट है ये बीकानेर में ही है दोस्तों, ध्यान रखना बीकानेर, लेकिन बीकानेर की अलग अलग जगह पर है ये, है ना। इसकी चार इकाइयां हैं, चार अलग अलग परियोजनाएं हैं, जैसे एक तो बीकानेर में ही है दोस्तों, बीकानेर हो गया, एक दोस्तों बीठनोक हो गया, बीठनोक, एक दोस्तों पलाना हो गया, पलाना बीकानेर, और एक दोस्तों बीकानेर बीठनोक पलाना और एक बरसिंगसर हो गया, बरसिंगसर। तो देखिए दोस्तों ये अभी राजस्थान में नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, एक बार और थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये बार बार पढ़ने ही पड़ेंगे, सुमेलित करवा ले जाएंगे आपसे। तो देखिए एक तो कोटा में है दोस्तों, एक भातरस है, एक गुड़ा है निजी क्षेत्र का, एक गिरल है, एक कवई है दोस्तों, कवई बारा में, गिरल बाड़मेर में, और एक दोस्तों अपन ने नेवली पढ़ा, नेवली चार जगह, बीकानेर बीठनोक पलाना बरसिंगसर, ठीक है। इसके बाद एक कपूरडी जालीपा है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको राजस्थान में जो नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो ध्यान रखने हैं। इसके बाद संयुक्त थर्मल पावर प्लांट, तापीय ऊर्जा के जो संयुक्त थर्मल पावर प्लांट है उनको और देख लेते हैं। संयुक्त का मतलब जो एक तो किसका है, राजस्थान का है और बाकी अन्य राज्य का है, ठीक है। तो संयुक्त वाले यहां पर हम देखेंगे। तो संयुक्त थर्मल पावर प्लांट की हम बात करते हैं, तो एक तो है दोस्तों सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट। तो सिंगरौली दोस्तों कहां पर पड़ता है? सिंगरौली जगह है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में स्थित न होकर कहां पर स्थित है? यूपी में। तो इसमें एक तो राजस्थान है दोस्तों, एक यूपी है, राजस्थान यूपी से परियोजना है तापीय एनर्जी, और दोनों का हिस्सा 50:50 है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा जाए कई तरीके से बन जाता है, लेकिन कौन सा संयुक्त पावर प्लांट नहीं है, या निम्न में से कौन सा संयुक्त है, तो सिंगल वाले डाल देंगे तीन, तो एक ये डाल देंगे सिंगरौली। जैसे मान लीजिए आपके सामने रख दिया कवई थर्मल पावर प्लांट और सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, गिरल डाल दिया आपके सामने,
और दोस्तों एक वहां पर कोटा रख दिया, तो संयुक्त वाला कौन सा है, सिंगरौली है, राजस्थान और यूपी का 50-50 है दोनों का हिस्सा। इसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं हम रिहंद, रिहंद थर्मल पावर प्लांट। तो देखिए दोस्तों रिहंद भी राजस्थान और यूपी का है दोस्तों, राजस्थान और यूपी का संयुक्त प्लांट है ये भी, रिहंद थर्मल पावर प्लांट। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं दादरी, तो देखिए दोस्तों दादरी थर्मल पावर प्लांट भी है और दोस्तों दादरी गैसीय संयंत्र भी है प्लांट, दादरी थर्मल पावर प्लांट ये भी दोस्तों राजस्थान और यूपी का है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एक सतपुड़ा है दोस्तों, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। तो सतपुड़ा दोस्तों एक तो राजस्थान है, दूसरा एमपी है, तो ये दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट है उनमें पांच तो हमने बताए थे क्रिटिकल वाले, हमने आठ बताए थे आपको नॉन क्रिटिकल वाले, लेकिन वो राजस्थान के ही थे, और संयुक्त में हमने आपको चार बताए हैं, चार ही हैं, आप इनके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा ढंग से आप तैयार कर लेना। सिंगरौली यूपी में पड़ता है तो वहीं पर स्थित है, राजस्थान और यूपी का है ये संयुक्त। रिहंद भी यूपी में है तो राजस्थान यूपी का ही है दोस्तों, दादरी यूपी में राजस्थान यूपी का ही है दोस्तों, सतपुड़ा एमपी में राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखने हैं। संयंत्र या गैस, तो देखिए राजस्थान में गैस परियोजना, गैस परियोजना, तो देखिए दोस्तों राजस्थान में गैस परियोजनाओं की हम बात करते हैं। तो देखिए राजस्थान में सबसे पहले बनी तो बनने वाली गैस परियोजना तो है दोस्तों अंतावारा, वो राजस्थान की नहीं भारत की पहली गैस परियोजना है दोस्तों अंतावारा, लेकिन दोस्तों वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित, ध्यान रखना केंद्र सरकार संचालित है, और राजस्थान की स्वयं की गैस परियोजना पहली है रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर, 1998 में बन गई थी दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वो पूछा जाएगा राजस्थान में स्थित पहली गैसीय परियोजना कौन सी है, तो अंतावारा करना दोस्तों। आपसे पूछी जाए राजस्थान की पहली गैसीय परियोजना, राजस्थान की पहली गैसीय परियोजना कौन सी है दोस्तों जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है, इस तरीके से नहीं तो बारह ही आएगा वहां पर भी, तो देखिए अंतावारा ही आएगा वहां पर भी, तो राजस्थान जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है वो रामगढ़ है। तो देखिए हम पहली बात करते हैं रामगढ़ गैस परियोजना, गैस परियोजना ये दोस्तों कहां पर है, जैसलमेर, जैसलमेर ये दोस्तों 1998 में ही बन गई थी, तो राज्य सरकार द्वारा संचालित पहली गैसीय परियोजना रामगढ़ गैस परियोजना है जैसलमेर 1998। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए दूसरा कार्बाइड गैस परियोजना, कार्बाइड गैस परियोजना, तो कार्बाइड गैस परियोजना कहां पर है दोस्तों, ये है धौलपुर, धौलपुर। तीसरी बात करते हैं दोस्तों केशव राय पाटन गैस परियोजना, तो केशव राय पाटन गैस परियोजना दोस्तों कहां पर है, बूंदी में, केशव राय पाटन गैस परियोजना दोस्तों कहां पर स्थित है, बूंदी। चौथी गैस परियोजना दोस्तों कोटा में है, कोटा गैस परियोजना,
कोटा गैस परियोजना, ये कहाँ पर दोस्तों, नाम से ही पता लग रहा है कोटा में है। इसके बाद हम बात करते हैं छबड़ा गैस परियोजना, छबड़ा गैस परियोजना तो दोस्तों ये भी कहाँ पर है, ये बारा में है दोस्तों। तो देखिए सुपर जो क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है वो भी छबड़ा बारा में है दोस्तों, और एक गैस परियोजना भी है छबड़ा बारा में, ठीक है। तो देखिए ये आपको पांचों परियोजनाएं अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान गैस परियोजनाएं हो गई, अब अपन बात करते हैं तो राजस्थान की संयुक्त गैस परियोजनाएं देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त गैस परियोजना तो देखिए जैसे हमने संयुक्त थर्मल पावर प्लांट देखे थे सिंगरौली रियांद दादरी सतपुड़ा, इस तरीके गैस परियोजना है राजस्थान की संयुक्त गैस परियोजना है। तो देखिए दोस्तों एक तो हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे अंता गैस परियोजना, अंता गैस परियोजना, तो अंता गैस परियोजना दोस्तों किस किस की है, एक तो है दोस्तों इसमें भाई राजस्थान में तो ये स्थित है लेकिन इसमें मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है। अंता गैस परियोजना कहां पर है दोस्तों, ये बारा में है, बारा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो दादरी गैस परियोजना भी है, दादरी दोस्तों दादरी नॉन क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भी है, मैंने उस समय बताया दादरी गैस परियोजना भी है दोस्तों, गैस परियोजना। तो दादरी कहाँ है, यूपी में, तो राजस्थान और यूपी का ये संयुक्त उपक्रम है, राजस्थान और यूपी का क्या है दोस्तों, ये संयुक्त उपक्रम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा राजस्थान में, आज हमने जो थर्मल पावर प्लांट नॉन क्रिटिकल वाले देखे हमने, और हमने राज्य की गैसीय परियोजनाओं के बारे में बात की, राज्य की संयुक्त भी देख ली और हमने स्पेशल भी देखी है राजस्थान की। तो देखिए दोस्तों कल हम बात करेंगे राजस्थान में जल विद्युत की बात करेंगे दोस्तों, और वो काफी बड़ा टॉपिक है, तो सभी स्टूडेंट कल का वीडियो देखना न भूलें, आज का भी आप देखने के बाद कल का भी कंटिन्यू देखते रहें। और दोस्तों करंट अफेयर्स हम शानदार वाला आपको पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर की भी शानदार क्लासें दे रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और दोस्तों कम से कम अपने यार दोस्तों को तो शेयर तो कर दिया करो दोस्तों, है ना, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।